मित्रों, आपका ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल कुछ एक नया चलन चल रहा है, बाथरूम को बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत सारी आकृतियां मूर्तियां उसमें रख देते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, इस पर विस्तार से आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और निवेदन एक और जरूर करेंगे कि हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं कि अपने फ्लैट के, अपने घर के उस जगह की जिसको सबसे ज्यादा सुंदर बनाने के आजकल चलन चल रहे हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम को बहुत सुंदर बनाता है, बेडरूम में बहुत अच्छी सजावटी चीजें लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चलन चल रहा है कि अपने बाथरूम, अपने टॉयलेट, शौचालय जिसको बोलते हैं, उसको भी बड़ा बनाने का चलन चल पड़ा है, उसको सजावटी बनाने का चलन चल पड़ा है, उसके अंदर पेंटिंग्स लगाने का, उसके अंदर सजावटी सामान, इवन आजकल जो डिजाइनर मूर्तियां मिलती हैं वो भी आजकल लोग बाथरूम के अंदर लगाने लगे हैं। वास्तु अनुसार ये बहुत बड़ा दोष है। आप देखेंगे कि आपने अगर बाथरूम को बहुत सुंदर और इन पेंटिंग से सजा दिया है तो हो सकता है आपको, आपके परिवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। उसका कारण सिर्फ यही है, बाथरूम को आपने बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया। अब इसका हम वास्तु अनुसार बताते हैं कि बाथरूम या टॉयलेट वो जगह है जहां से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, चाहे वो किसी भी कोने में हो, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा यहीं से आती है। इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए कहा जाता है कि बाथरूम हमेशा जिस जगह बनाए उसका एक विधान है। टॉयलेट या शौचालय जो है वो साउथ वेस्ट में बनाने का है, बाथरूम नहाने की जगह को पूर्व में बनाने का है। अब हम दोनों चीजों को इकट्ठा किसी भी जगह बनाते हैं तो वास्तु दोष तो रहता ही है थोड़ा सा, लेकिन उसके अंदर हम बढ़ोतरी कर लेते हैं अगर इसको, इन मूर्तियों को लगा लेते हैं। क्या करना चाहिए कि बाथरूम के जो दरवाजे हैं उसको हमेशा बंद रखें। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। बड़ा मत बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाइए, वो आपके रहने की जगह नहीं है, वहां 5-10 मिनट रुकते हैं। रोज सफाई होनी चाहिए बाथरूम में। पेंटिंग्स, फूल, असली पौधों से उसको सजाते हैं तो क्या होता है, इन वस्तुओं के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसको बोलते हैं फेंग शुई में ची एनर्जी, यानी सकारात्मक ऊर्जा, ये पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी है और हम इसको सकारात्मक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि बाथरूम के पानी के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी नाली में बह जाती है और आपके भाग्य भी गंदे पानी के साथ नाली में बह जाता है, परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अतः बाथरूम को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, बस इसकी रोज सफाई करें, बंद रखें, और अगर हो सके तो किसी भी कोने में आपने बाथरूम बनाया हुआ है तो उसमें नहाने की जगह जो भी आप देखेंगे उस डायरेक्शन नहाने का, यानी जो फवारा लगता है या नल लगते हैं, वो पूरब में रख लें। जो टॉयलेट का, शौचालय का जो वो है स्थान, उसी बाथरूम में उसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख लें, इसको नेतृत्व कोण बोलते हैं। तब भी आपको बाथरूम के जो नेगेटिव दोष हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय माता दी।